हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डॉट अल्टीमेट केयर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल देखे समझ लिया, लेकिन फिर मैं फिर भी बता देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, कैसे पता करें आपका पपी लोन कोट है कि नहीं है। लोन कोट की पता करने के लिए आज मैं अपनी वीडियो में आपको 3 टिप्स दूंगा, लेकिन आपको 3 टिप्स समझने के लिए ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं, तभी आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पपी की लॉन्ग कोट की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने शेयर करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टिप्स नंबर 1, जब भी आप कोई लॉन्ग कोट पपी या कोई जेनुइन साइबेरियन का पपी लॉन्ग कोट लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी लेग्स, उनके पैर जो होते हैं, अगले पैर होते हैं, उनको ध्यान से देखिए। उन पर आपको पता चलेगा अगर उसके हेयर ज़्यादा बड़े हैं, लेग्स पर उसके हेयर आधा इंच के लगभग उसके हेयर की लंबाई है, तो आपको पता चल जाएगा आपका पपी लॉन्ग कोट होने वाला है। ये सबसे पहली टिप्स थी हमारी। टिप्स नंबर 2, जब भी आप पपी लेते हैं तो आपको चेक करना है उसके ईयर्स, उसके कानों के बाल देखने। उसके कान पर बाल जितने ज़्यादा लंबे होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं पपी आपका लॉन्ग कोट है। पपी की जो कानों की लंबाई, बालों की लंबाई, वो आधा इंच से कम हो सकती है, जो 30 से 35 दिन का पपी होता है। अगर एज होती है उसकी ज़्यादा, मान लीजिए 45 या 55 दिन, तो 8 इंच के आसपास उसके बालों की लंबाई वहाँ हो जाती है। इससे आपको पता चल सकता है आपका पपी लॉन्ग कोट है। और तीसरी टिप्स है हमारी, जो आप पपी लेने जा रहे हैं तो उसकी जो चेस्ट होती है, छाती होती है, उस पर बालों की संख्या ज़्यादा होगी और बालों की लंबाई भी ज़्यादा होगी लेग्स और ईयर्स के मुकाबले। उस टाइम पर मान लीजिए आपका पपी उस टाइम पर 30 या 35 दिन का है या 40 दिन का है, तो उस टाइम पर वहाँ के जो चेस्ट के उसके एयर चेस्ट पे जो हेयर होंगे उनकी लंबाई तकरीबन 8 इंच या उससे ज़्यादा मिल सकती है। वो पपी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, वो पपी खाने में क्या खिलाया है ब्रीडर ने। दोस्तों, ये जो जानकारियाँ हैं इनका पता केवल ब्रीडर और वेटरनेरियन को ही होता है। आज तक किसी भी YouTube चैनल ने ये जानकारियाँ आपको नहीं दी हैं। अपना मकसद यही है, हमारे सब्सक्राइबर, हमने फैमिली के पास, जो हमारी सब्सक्राइबर फैमिली यूट्यूब फैमिली है, उसके पास सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों, आशा करता हूँ आज मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं हम अपनी वीडियो किस टॉपिक पर अगले टाइम बनाएं। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।